हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? हाँ जी दोस्तों, आज आपको हम स्टोन वॉल कैसे ओवरऑल करते हैं हम दिखाएंगे आपको। आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए। देखो, ये हमारा स्टोन वॉल है। स्टोन वॉल कैसा होता है आपको आइडिया आ जाएगा। एक तो पहले हम लोग बोनट के बोल्ट खोल लेंगे। इसमें स्टड लगे हुए हैं और नट हैं। अभी हम लोग नट खोलेंगे। पहले 6 नट हैं, 6 नट खोल देंगे, बोनट खुल जाएगा इसका। ओके दोस्तों, तो हमने 6 के 6 नट खोल दिए हैं, कुछ स्टड भी खुल गए हैं साथ में। तो इसको हल्का सा हम टैप करके निकाल देंगे पहले इसका बोनट। बोनट बोल सकते हो, कवर भी बोल सकते हो आप। इसके अंदर स्पिंडल है, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले इसका फ्लैप दिखाते हैं कैसे ये काम करता है। देखो, ये पिन बोल्ट है। इसके दोनों साइड में 2 लगे हुए हैं। इसमें पिन बोल्ट हैं 2, उसको फ्लैप को लॉकिंग करते हैं। किसी किसी में आर पार रॉड रहता है, लेकिन इसमें रॉड नहीं है, इसमें पिन बोल्ट दिए हुए हैं। ओके दोस्तों, किसी किसी में आप खोलोगे कोई अलग मॉडल, किसी अलग कंपनी का वाल रहेगा तो उसमें आर पार एक स्टड दे देते हैं। स्टड हो गया, नहीं तो रॉड दे देंगे और एक साइड से प्लग कर देंगे उसको। और इसमें पिन बोल्ट दिए हैं 2 दोनों साइड से, एक एक। ये देखो, 2 पिन बोल्ट हैं। ये फ्लैप को होल्ड कर लेंगे। पूरा वीडियो आप देखते रहो, आपको कैसे काम करते हैं आपको दिखाएंगे। ये देखो, ये हमारा फ्लैप है। ये पहले हम बोल्ट इसके खोल लेंगे। इसके पीछे इन लोग ने लेड दिया हुआ है। लेड है, इसको लेड बोल देते हैं। जो सोल्डरिंग करने वाला लेड रहता है वही है भी। ये वेट के लिए डाल देते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा वेट ज़्यादा रहता है करके मेटल का, तो ये ऑटोमेटिक बंद रहता है। इसके पीछे वेट इसके लिए डालना पड़ता है कि ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ये जो वाल है, नॉन निटन वाल भी है, नॉन निटन का भी काम करता है। और ये इसको फ्लैप को इससे अलग, स्पिंडल से अलग करने के लिए पहले आप उन्हें स्पीड पिन निकाल लेंगे। फिर ये वाला पिन निकाले के, ये वाला पिन निकाल दिया, ये फ्लैप अलग हो गया। ठीक है, अभी इसका जो लीकेज होता होगा तो आपको इसका पैकिंग कैसे चेंज करना है। इसमें सीट लैपिंग नहीं करना पड़ता, इसमें रबर, अच्छा रबर पैकिंग अच्छा वाला डालना है। अच्छा रबर पैकिंग डाल के ये देखो, ये 2 स्क्रू है। 2 स्क्रू खोल के इसको ये प्लेट निकाल के रबर निकल जाएगा। और आपको अच्छा वाला रबर लेके, रबर काट के आप डाल सकते हो। ओके दोस्तों, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखो आप, और अपने दोस्तों से भी करवाओ। ये देखो, हमने खोल दिया है। ये ऐसा रबर है, अच्छा क्वालिटी का रबर लेके आपको रबर डाल देना। इसमें चाहिए तो आप किसी चीज़ से चिपका सकते हो। अभी हम लोग का तो अच्छा है, हम लोग नया डाला है, तो आपको दिखाने के लिए हमने खोल के आपको दिखा दिया एक बार, लेकिन हम लोगों ने रबर नया डाला हुआ है। कोई लीकेज नहीं, हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे, लीकेज चेक करके भी दिखाएंगे इसका। आप वीडियो वॉच करते रहो, पूरा देखो, आपको स्टोन वॉल के बारे में पता चल जाएगा स्टोन वॉल कैसा काम करता है। ये हमारा ओके है। और इसके बाद में आपको इसके अंदर का सीट देख लेना है। ये अंदर का सीट कहीं क्रैक तो नहीं है, कुछ कट कोई कटा तो नहीं है कहीं से। ये देखो, एक वो अंदर गोल सीट है। ये गोल सीट आपको अच्छे से देख लेना है। ओके दोस्तों।
ये अभी हम लोग का सीट भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको अपन इसमें स्पेंडल में फिर से बॉक्स अप कर लेंगे। ये देखो ऐसे दोनों साइड में पिन बोल्ट लग जाएंगे। और इसके अंदर मैं ऐसे काम करेगा, ओके। देखो ये पिन डाल देंगे अपन इसमें पहले, फिर इसमें स्पीड पिन लगा देंगे। स्पीड पिन इसके लिए लगाते हैं कि वो वाइब्रेशन में कहीं निकल ना जाए, नहीं तो खुलते बंद होते, क्योंकि ये वाल ऑटोमेटिक क्लोज होता है। उधर से अपोजिट से प्रेशर आएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, और ऊपर से प्रेशर जो जाएगा पानी का, जैसे अपना पानी जा रहा है, तो ये वाल ओपन हो जाएगा। इसके पीछे ये देखो ऐसे पिन लगा रहेगा, अंदर वेट निकाला, वेट निकाल दिया तो ऐसा खुल जाएगा, और वेट रहेगा, वेट इसके लिए रखते हैं कि ये बंद हो जाए। ये देखो इसके लिए वेट दे देते हैं कि ऑटोमेटिक ये बंद रहे, और जब भी ऊपर से पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे लेड लगा है, लेड से जब प्रेशर ज़्यादा होगा पानी का, तो ये अपने आप फ्लैप खुल जाएगा, ओके दोस्तों। और ये बंद होने वाला इसके लिए है कि जैसे नीचे सी वाटर का प्रेशर आता है, तो उसके प्रेशर से ये फ्लैप बंद हो जाएगा, तो अंदर पानी आने नहीं देगा। जब ऊपर का प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा पाइप में, तब ये खुल जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखो ये है, पहले इसको अपन खोल लेंगे स्पेंडल निकालने के लिए। स्पेंडल निकाल के आपको दिखाते हैं, इसका हमने ये लॉकिंग खोल दिया है, एक ग्लैंड का नट खोल देंगे, एक ग्लैंड का नट खोल के एक ग्लैंड बुश निकाल देंगे, और इसके अंदर ग्लैंड भी है। पहले अपन ग्लैंड हाउसिंग पूरा खोल देंगे, देखो ग्लैंड हाउसिंग खोल दिया। अभी इसको एंटी क्लॉक घुमा के इसको निकाल लेंगे, ओके। देखो एंटी क्लॉक हम घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉक घुमा के इसको ये निकल जाएगा। ये देखो ऐसा स्पेंडल निकल गया। अभी आपको चेक कर लेना है आपका स्पेंडल सही है कि ख़राब है, ख़राब है तो चेंज करो, ये अच्छा है तो आप ग्रीस लगा के फिर से इसको यूज़ करो। ये वाल तो हम लोगों ने ओवरऑल करके रखा था, ये तो आपको वीडियो दिखाने के लिए आपको फिर से हम लोग एक बार कर रहा है, ओके दोस्तों। ये देखो ये ग्लैंड हाउसिंग है, इसमें आप ग्लैंड भी डाल सकते हो, लेकिन अभी ये कंपनी से टेफ्लॉन का बुश बना के 3 डाला हुआ है। आप चाहो तो इसमें टेफ्लॉन का ग्लैंड भी डाल सकते हो। और आपको ये ग्लैंड हाउसिंग में भी आपको थ्रेड देख लेने की, थ्रेड अच्छे हैं, कहीं कोई डैमेज तो नहीं है थ्रेड। फिर इसको अपन स्पेंडल को डाल देंगे, स्पेंडल डाल के फिर ये टेफ्लॉन बुश डाल देंगे। 3 टेफ्लॉन बुश हैं इसमें, टेफ्लॉन के बुश दिए हैं। वैसे आपको चाहो, आपके पास नहीं है तो आप टेफ्लॉन का ग्लैंड भी भर सकते हो इसमें अच्छे से, ओके दोस्तों। और हम लोग ये जो वीडियो बनाते हैं, जो पुराने आदमी सोचते होंगे यार क्या छोटी छोटी बात बताते हैं, छोटी छोटी हम बात इसलिए बताते हैं कि नए आदमी जिनको अभी तक, कई आदमी तो ऐसे भी होंगे कि अभी तक देखा ही नहीं है वाल स्टोन वाल होता क्या है, वो लोग को बताने के लिए हम लोग छोटा छोटा बात बताते रहते हैं, ओके। अभी देखो हम लोगों ने टेफ्लॉन का बुश डाल के ऊपर से ग्लैंड बुश डाल दिया है, और नट लगा के इसको अपन टाइट कर लेंगे। ये नट आपको उतना टाइट करना है कि जितना लीक ना हो करके, ये नहीं क्या फुल टाइट कर दो बाद में आपका स्पेंडल घूमे ना, क्योंकि ये स्पेंडल को टाइट कर देगा। और इसको आपको लॉकिंग उधर ही करना है,
जितना वाल आपको ओपन क्लोज करना है, ठीक है। अभी आप इसको फिलहाल लॉकिंग इसको अंदर लगा के, ये देखो ये अभी ऐसा ही है, फ्री है। कितना आपको ओपन में रखना है, कितना क्लोज में रखना है, वो हिसाब से आपको लॉक करना है बाद में। ओके दोस्तों, ये देखो इधर ओपन हो गया। और इसको अपन बंद करेंगे तो इधर ये क्लोज हो गया, देखो ओपन क्लोज आपको दिख रहा है ना। तो ये आपको अपने हिसाब से बाद में पहले अंदर लगा लेना है, और जब वाल में आप लगाओगे फ्लैप बंद करके देख लेना, बाद में इसको आपको करना है लॉकिंग। ये आपको पता है कि इधर लॉक होगा अपना, क्लोज हो जाएगा वाल पूरा, तो आप पहले भी कर सकते हो। नहीं है तो पहले आपको वाल इसको बोनट को लगा के अच्छे से, फिर ही उसको लॉकिंग करो आप। ओके दोस्तों, कवर के साथ में लैन हाउसिंग अच्छे से टाइट कर लो आप। एक ग्लैंड का नट भी हम थोड़ा टाइट कर लेंगे पहले। इसको ग्लैंड का नट आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो आपका स्पंडल ज़्यादा टाइट हो जाएगा। ओके, ये देखो ये वाला जो फ्लैप इसमें ऐसा टच होगा अंदर जाके ऐसा टच होता है, आपको दिखाते हैं कैसे काम करेगा। अंदर ऐसे पिन बोर्ड लग जाएंगे इसमें। इसको अपन बंद करेंगे तो देखो हम बंद कर रहे हैं, तो ये ऐसे अंदर उसके जो अंदर का आपको सीट दिखाया है उसमें जाके बैठ जाएगा, फ्लैप क्लोज हो जाएगा। ये देखो ऐसे बंद होगा, ऐसे खुल जाएगा इसको। ये जो फ्लैप का कॉलर है इसमें जाके स्पंडल में टच हो जाएगा इधर, ये देखो आप देख पा रहे होगे इसमें कैसे टच होता है जाके अंदर। देखो इसमें टच हो जाएगा, जब ये अपन ओपन क्लोज करेंगे तो इसमें ओपन क्लोज ही करेगा। अंदर का सीट आपको अच्छे से चेक करके इसको फ्लैप को डाल लेना है। ये दो पिन बोल्ट हैं, ये दोनों पिन बोल्ट इधर से आपको ऐसे लगाने हैं। ये दो आपको होल दिख रहे हैं, इन होल में वो बैठ जाएंगे। अभी हम बोल्ट खोलेंगे, पिन बोल्ट निकाल के इसमें लगा लेंगे। ये देखो एक पिन बोल्ट लग गया, अभी इधर का दूसरा भी लगा देंगे। देखो ये अभी ओपन क्लोज हो रहा है बराबर। ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। ये तो एरो दिया है, ये वाल ऐसा लगेगा, फिर ऊपर से प्रेशर आएगा तभी ये वाल खुलेगा, नहीं तो बाहर के प्रेशर से ये वाल बंद ही रहेगा। बाहर से प्रेशर आएगा तो ऑलरेडी इसको बंद करेगा, वो खुलने नहीं देगा वाल को। आप सोचोगे कैसे खुला रहेगा, खुला नहीं रहेगा, बंद रहेगा वाल। ऊपर से जब ये प्रेशर आएगा, जो लेड लगा हुआ है उससे ज़्यादा जब प्रेशर बन जाएगा ऊपर पानी का, चाहे सीवेज का, ये सीवेज में ज़्यादा काम में आता है, सीवेज लाइन में लगता है स्टोन वाल, चाहे जैसे गैली में हो गया, गैली का, चाहे बाथरूम का,
उसमें ज़्यादा काम में आता है वाल, स्टोन वाल उसमें लगता है। ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा तभी ये वाल खुलेगा। और स्पैंडल, अब इसको बोनट लगाने के पहले स्पैंडल को ओपन रखना है आपको, ओपन पोजीशन में रख के आपको इसको टाइट करना है। ओके दोस्तों, अपोजिट अपोजिट करके आपको टाइट कर देना है थोड़े थोड़े बोल्ट, एकदम पूरा बोल्ट नहीं टाइट करना कोई भी, नहीं तो आपका वाल लीकेज होने का चांस रहेगा। ये देखो आपके सामने, हम अभी क्लोज करके, ये देखो क्लोज हो रहा है। ये क्लोज हो गया अभी। ओके, अभी इसमें पानी भर के आपको दिखाते हैं कि हमारा सीट लीक है कि नहीं। और आपको प्रेशर भी देना है तो प्रेशर देके भी देख सकते हो। अभी आप फ़िलहाल, आपको दूसरी किसी वीडियो में दिखाएंगे प्रेशर देके, अभी हम फ़िलहाल पानी भर के आपको दिखाते हैं। प्रेशर देना है तो आपको इसी साइड में प्रेशर का लाइन लगा के आपको पंप से प्रेशर दे देना है। और दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखो, अपने दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब करवाओ। ओके दोस्तों, ये देखो हमारा इधर से अभी लीकेज है नहीं, पूरा लीकेज एकदम होल्ड है। तो ऐसे करके आपका स्टोन वॉल का काम हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको। ओके, बाय बाय दोस्तों।